जैसे मिर्गा शब्द सुने शब्द सुनन को जाए, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन कना ही डराई, गुरु से लगन कठन मेरा भाई, गुरु से लगन कठन है भाई, लगन लगे बिना काज न सरे ओ, जीव बने हो जाई। सबके अंदर है, जब तक वो संतों का रूप ना धारे, गुरु का रूप धारे, हम उसके पास जा नहीं सकते। जैसे डॉक्टर के रूप में, जिसने डॉक्टरी की उसको कहते हैं डॉक्टर, उस इल्म का नाम डॉक्टर है तो हमारे जैसा, जहां वो शब्द गुरु आता है तो उसको गुरु कहते, बाद में नकलें चल पड़ी, गुरु पे गुरु चढ़ पड़े। जिनके अंदर वो प्रगट है उनके साथ प्रेम करने से ही उसके साथ प्यार पड़ता है। नाम सब फरमाते हैं, सुनो क्या है? हाँ, श्री गुरु नानक साहब मालिक की, कबीर का है वो, गुरु नानक साहब का है। हाँ, श्री गुरु नानक साहब मालिक को प्रकट करने और उनके भक्ति के भंडार से हिस्सा लेने के लिए संतों और गुरुमुखों के साथ प्यार करने की हिदायत करते हुए उनके साथ प्रेम करने की विधि सिखाते हैं। मन रे क्यों छूटस बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रव रहा बक्से भगत भंडार। आप फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरें धक्के देती है फिर भी वह बड़े प्रेम से खड़ा रहता है, कोई दुख महसूस नहीं करता, इसी तरह प्रेमी अपनी सब चिंता फिकर अकल दलील और हंकार त्याग कर संतों के हुक्म में खिले माथे प्रेम से सेवा करता है। उसे चाहे कमल के फूल की तरह उनके दरबार में से कितने ही धक्के मिले, हर मुसीबत में उसका कदम आगे ही बढ़ता रहे और दरबार नहीं छोड़े, हर बात में खुश रहे, इसी में अपनी भलाई समझे और इसमें जरा भी अभाव न लाए। जिस तरह कमल को पानी की लहरों का धकेलना जिंदगी देता है, जितने धक्के ज्यादा मिलते हैं उतना ही ज्यादा फलता और फूलता है, इसी तरह प्रेमी को भी संतों के धक्के नया जीवन देते हैं और वह भी भक्ति में फलता और फूलता है। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह जल में पैदा होने वाले जीव एक मिनट भी पानी से अलग होना सहन नहीं करते और मरने लगते हैं, इसी तरह एक प्रेमी संतों और उनकी साथ संगत का बिछोड़ा एक पल भी सहन नहीं करता, उनका बिछोड़ा वह मौत के बराबर समझता है। प्रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए भी विकसे असने, जल में जी उपाय के बिन जल मरण तिने। फिर फरमाते हैं कि पानी मछली की जिंदगी और जान है, पानी की लहरें जितना ज्यादा उछाल मारती है मछली उतना ही ज्यादा सुख महसूस करती है, उसके शरीर को शांति मिलती है और उसके मन में उल्लास पैदा होता है, जब पल भर पानी से बाहर निकली तो तड़प कर मर जाती है, एक क्षण भर के लिए भी उसके लिए जीना कठिन हो जाता है। इसी तरह एक प्रेमी की जिंदगी और जान संतों और उनकी साथ संगत की सोबत उनकी सेवा और भजन सिमरन है, जब इस काम में कोई रुकावट पड़ती है तो मछली की तरह बेचैन रहता है और तड़पता है। प्रेमी सदगुरु की याद और उनके संतों की जुदाई एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता और व्याकुल करता है भजन में। हाँ, और व्याकुल हो जाता है। प्रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसे मछली नीर, जो अधिक्यों त्यो सुख गणो मन तन शांत शरीर, बिंजल घड़ी न जीवी प्रभ जाने अब पीर। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह पपैया अपने प्रण पर कायम रहता है, वह वर्षा का पानी पीता है, दरिया नहरे कुएं तालाब चाहे पानी से भरे पड़े हो, वह प्यासा ही मर जाएगा,
परंतु उनका पानी नहीं पिएगा। एक बार कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे, क्या देखते हैं कि एक प्यासा पपैया प्यास से तड़फता आकाश मंडल में उड़ता हुआ पीहू पीहू कर रहा था। किसी बेरहम शिकारी ने उसे अपनी तीर का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक तो वह पहले ही काफी देर से प्यासा था, जख्मी होने से प्यास और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वह नीचे गिर गया। अब वह गिरा भी गंगा की धार, जिसके पानी को लोग पवित्र और मुक्ति का दाता मानते हैं। परंतु उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कहीं गंगा के पानी की बूंद उसके कंठ से नीचे न चली जाए। उसकी नजर आसमान की तरफ थी, जहां से स्वांति बूंद के बरसने की उम्मीद लग रही थी, और वे इसी प्रकार मर गया। यह देखकर कबीर साहब ने फरमाया, पड़ा पपिया सुरसरी लगा बदक का बाण, मुख मुंदे सूरत गगन में निकस गए यूं प्राण। देख लो, यहाँ जरा सी तकलीफ आती है कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी टूने करते हैं, कभी कुछ करते हैं। देख लो, आप खराब होते हैं। फिर कहीं उनको देखा है, फिर बहुत बुरा हाल होता है उनका। पूरे विश्वास से सिमरन करो, सब काम अपने आप चलते हैं, दुख सुख भी भोगने हैं। जैसे जैसे कर्म किए उनका नतीजा भोगना सबने। हाँ जी, पपैये का पन देख कर सिमरन से कर्म हल्के हो जाते हैं, इसको पता नहीं। सिमरन के सबसे बड़ी चीज सिमरन है। कभी सिमरन सार है और सकल जंजाल। सोचना, ये वहम निकलते नहीं प्राणे, पुराने वहम जो है पड़े हुए रीतों के और ये बड़े उन्होंने सब लिख गए हैं। इतनो डूबा संसार गुरुमुख कोई उतर पार, इतनो फिर जुनी पाए मोहे लागा जम पर जाए। गुर दिख्या ले जब तक कमाए, नामो टूटे ना था पाए, नजर करे ता ए मो जाए, नानक हर सुर है समाए। नाम लेकर भी कभी इधर जपो में तपो में, कभी इधर पूजा पाठ, बस एक सिमरन को पकड़ो सब सुख है। वाणी पढ़ने में इसलिए है कि इसको मदद मिलती है। इतना सिमरन कर नहीं सकते, फिर वाणी पढ़ ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। मेन चीज सिमरन है। पपैये का पन देख कर धीरज रहे न रंज, मरते दम जल में पड़ा तो न बोड़ी चंच। इसी तरह मालिक के प्रेमी मालिक के संतों के बिना किसी दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते, उनके हुक्म में ही रहते हैं, उनके हुक्म से परे नहीं होते, भजन सिमरन और सेवा नहीं छोड़ते, विषय विकारों में नहीं फंसते। हुक्म से परे हो जाने से वे मर जाना अच्छा समझते हैं। हमें पपैये से बढ़कर सतगुरु और उनके संतों से प्यार होना चाहिए, परंतु यह सब कुछ पिछले संस्कारों के परिणाम पर निर्भर है। जितना कोई संतों के साथ प्रेम करता है और उनकी आज्ञा में रहता है, उतना ही फल प्राप्त कर लेता है। प्रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी चातरख में सर भरथल हरियावले, एक बूंद ने पवि के कर्म मिले सो पाइये, कीर्त पाया सिर दे। फिर फरमाते हैं कि यदि मालिक की प्राप्ति करनी है तो संतों के साथ ऐसा प्रेम कर जैसा पानी का दूध के साथ होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद जल जाता है, परंतु दूध को नहीं जलने देता। जब तक पानी की एक बूंद भी बाकी रहती है, दूध को नुकसान नहीं होता। भाव ये है कि संतों के वचनों से परे न होवे, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट क्यों न पहुंचे, ज्ञान चली जावे परंतु हुक्म से परे न होवे। वह मालिक या सतगुरु आप ही गुरुमुखों का रूप धारण कर ऐसा करना सिखाता है। आपे विंटन शब्द है प्यारा, आपे गुरुमुख जापे। सतगुरु शिष्य की चिंता अपने मन में रखता है, वह हर प्रकार से उसकी भलाई सोचता है। उसने आप ही जीवों को फंसाया है और आप ही गुरुमुखों का रूप धार कर
निकालने का प्रबंध करता है। यदि वह किसी समय शिष्य को झिड़कता है तब भी उसके मन में शिष्य के लिए प्यार होता है। बाहर से गुरुमुखों के वचन चाहे कितने ही कठोर और उल्ट पुल्ट क्यों न हो, परंतु वे प्यार और मिठास से भरे हुए होते हैं। जो शिष्य उन पर चलता है उसे बाद में उनकी रमज का पता लगता है। इसलिए कहा है, जे गुड़ चिड़के तो मीठा लागे। सिखी में गुरुमुखों का हुक्म मानना ही शिष्य का परम धर्म है। गुरु सिखी दा करम ए गुरु फरमाए गुरु सिख करना। सो सिख सखा बंदप है भाई जी गुरु के पाने विच आवे। रेमन ऐसी हसो प्रीत कर जैसे जल दूध होए। आपटन आपे खवे दूध को खप्पन न दे। आपे मेल बछुनिया सचे बढ़ियाई दे। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह चकवी सूरज को लोसती है और सारी रात नींद नहीं करती और इस इंतजार में रहती है कि कब दिन चढ़े, कब उसका मिलाप चकवे से हो। सूरज चढ़ने में चाहे कितनी देर हो, कितनी देर ही क्यों न हो, परंतु वह हर समय नजदीक ही समझती है कि अब चढ़ा, अब चढ़ा। इसी तरह गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की इंतजार में रहता है कि अभी दर्शन मिले, अभी मिले। सतगुरु को हाजिर नाजिर समझता है, उसकी सेवा और भजन बंदगी में लगा रहता है। क्या पता कब मेहर कर देवे, परंतु मनमुखों को इस बात की समझ नहीं। गुरुमुख हर समय चकवी की तरह सतगुरु की मेहर का इंतजार करते रहते हैं। रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी चकवी सूर, खिन पल नींद न सोवी जाने दूर हजूर। मनमुख सोजी न पवे गुरमुख सदा हजूर। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ ऐसी प्रीत करना ही गुरमत है, तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है तथा सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जो मनमुख हैं वे अकलों और चतुराइयों से ढूंढते हैं, इस रास्ते पर अकल काम नहीं करती। सहस स्याणपा लख होई त इक न चले नाल। मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए, ताकि कीमत न पवे जे लोचे सब कोए। गुरमुख गुरमत होए ते पाइए सच मिले सुख होए। यदि संतों के साथ सच्ची प्रीत लग जाए और उनके हुक्म में रहे तो तन का प्यार छूट जाता है। मन का विषय विकारों और दुनिया के सामानों में भटकना खत्म हो जाता है। अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है, सच्चा प्यार जाग उठता है जो फिर कभी नहीं टूटता और सच्चा ज्ञान हो जाता है। सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, प्रेमी शब्द या नाम का रस लेने लगता है और आदि मध्य और अंत का ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा कोई विरला ही ग्राहक होता है। सच्चा ने न टूटिए जे सतगुर पेटा सोई, ज्ञान पदार्थ पाइए फिर पवन सोजी होई। निर्मल नाम न विसरे जे गुण का गायक होए। फिर फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म में यह कार्य करना था कि संतों के साथ प्यार करके अंदर जाना था, शांति लेनी थी और मालिक की प्राप्ति करनी थी। यह मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, यदि अब हाथ से निकल गया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा जो समुद्र के पार टापुओं पर राजा करते थे चले गए। यह दुनिया आने जाने का ही कारखाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज देश को मजहब माँ बाप बाल बच्चे और रिश्तेदार मरने के समय साथ नहीं जाते। यहाँ तक कि यह तन जो पैदा होने के समय साथ ही आया था यह भी यहीं रह जाता है। मुबारक है वे लोग जो इस जन्म से फायदा उठा गए और इस मैदान को जीत गए। यह जिस पर मालिक मेहर करे वही कर सकता है। जब तक जीव के अंदर सदगुण प्रकट नहीं होता, जीव का शब्द के साथ समझ नहीं पड़ता और जीव अपने आप को नहीं पहचानता कि वह कौन है और क्या है। समझो अभी तक उसके अंदर सच्चा प्रेम नहीं जागा और न ही होमे की बीमारी खत्म हुई है। इसलिए गुरुमुख संतों की हिदायत के मुताबिक
गुरमुखता का कोर्स करता है और अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। उसके बिना वह किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, मालिक को कैसे पहचान सकते हैं और हमारे भ्रम कैसे मिट सकते हैं। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बिन गुर प्रीत न उपजे होमे मेल न जाई। सो आप पछाणिये शब्द भेद पत्याई, गुरमुख आप पछाणिये अवर की करे कराई। जिस अंदर सच्चे शब्द को जिसने अंदर सच्चे शब्द को प्रकट कर लिया है, तसल्ली हो गई, उसको मालिक की दरगाह में जाने का रास्ता मिल गया। शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब थाए, और मालिक की दरगाह में पहुंच गया। फिर मालिक से बिछुड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो मनमुख है, भाव मन के कहने पर चलते हैं और मनमुखता नहीं छोड़ते, वे बाहर ही धक्के खाते फिरते हैं और 84 के चक्कर में से नहीं निकलते। अपन पाने जो चले, पाई बिछड़े चोटा खावे। मिलिया का किया मेलिये, शब्द मिले पत्याई। मनमुख सोजी न पवे, बिछड़ चोटा खाए। नानक दर घर एक है, अवर ना दूजे जाए। आखिरी नतीजा ये है कि मालिक की प्राप्ति का एक ही तरीका है कि किसी कामिल संत के साथ संबंध जोड़े। परंतु यह भी सतगुरु की मेहर पर है कि कामिल संत का मिलाप हो, उस संत के साथ बहुत ज्यादा प्यार करे, उनके हुक्म में रहकर सेवा और भजन सिमरण करे, अपनी अकल दलील और अहंकार को नजदीक न आने दे और अति दीनता धारण करे। जब सब अकड़ और हंकार निकल जाते हैं और पूर्ण प्रेम हो जाता है, फिर वह मालिक प्रकट हो जाता है। यदि मामूली सा भी हंकार बाकी रह जाए तो मालिक नजदीक नहीं आता। दादू है को भया घना, ना ही कुछ ना है, दादू ना है होए रहो अपने साहेब माहे। जब बिल्कुल नमाना और अति दीन होकर मालिक के दरवाजे पर गिर पड़ता है, तब जाकर पर्दा खुलता है। तथा यह कार्य किसी पूर्ण संत या गुरुमुख की सहायता के बिना नहीं हो सकता। होए नमाणी टह पाई, मिलिया सहज सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाए। संत विद्या अपनी क्या आई, फिर ये है वो है, बस भजन नहीं बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बस दुख है ये है। हाँ सुनो, संतों की दया। संत अपने सत्संगियों को दोबारा जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्य के सारे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवा कर उसे सतलोक ले जाएं, परंतु वह जाना नहीं चाहता और बार बार उनसे वही चीजें मांगता है जिनसे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाए। अक्सर और बाल बच्चे धन दौलत इज्जत और विषय विकारों के सामानों की इच्छा करता है और अपने तन की बीमारियां दूर कराना चाहता है। अगर संत इन चीजों को दे दे तो फिर यही चीजें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्मों का बोझ और बढ़ा देगी, जो संभवत जीव के नए जन्मों में फंसने का कारण बन जाए। जीव बेचारे को पता नहीं कि उसके सिर पर तो पहले ही कर्मों का ऋण हद से ज्यादा चढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। इसलिए संत अपने सत्संगियों की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे इसके लिए कितने ही रोए चिल्लाएं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी जहर नहीं देती, चाहे वह कितना ही हट करे। जब संत बीमारी या दुख भेजते हैं तो वे हमें स्वस्थ करने के उपाय होते हैं। बीमारी या दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण होते हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बीमारी द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों का बोझ हल्का करती है, वह उनका कर्जा चुकाती है। यही कृष्ण भगवान ने लिखा कि मैं अपने प्यारे भक्तों को तीन दातें प्रदान करता हूँ, बीमारी, ये दातें सुन लो भाई, बीमारी, निरादरी और गरीबी। ये तीन दातें हैं,
खास प्रेमियों के लिए। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और ऐसा करने में उसका आशय बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वह जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही था। इस तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है फिर पता चलता है कि जो संत कर रहे हैं वह हमारी ही भलाई को ध्यान में रख कर कर रहे हैं। इसलिए कहा है, संत का किया सत्कर मान। बस संत अपना देते हैं, मालिक की दरगाह का रास्ता मिलता है, सदगुरु आप ही काम करता है, अंदर ही बैठा है वो, जैसे मना से समझता करता है, दुख में फायदा दुख, सुख में फायदा सुख, वो जो करता है हमारी भलाई के लिए। इसलिए कहा है क्या कि उसकी रजा में रहे, बस जो पावे तो राख लाए, पढ़ते हैं जो पावे राख लाए लेकिन चलते नहीं, देख लो जो पावे तो राख लाए। बोल दो जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाए। मेरा नंबरदार था, बहुत सेवा करता था, आंखें खराब हो गई, दिखाई देना बंद हो गया, पहले तो महसूस किया फिर कहने बड़ा अच्छा हुआ, अब कोई ख्याल नहीं रहा, अब सतगुरु सतगुरु गया बस। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाए, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाए, प्यास से प्राण तलब दिन राति, प्यास से प्राण तलब दिन राति, और वीर ना भाई रे गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। जैसे मिर्गा शब्द सुनेरी शब्द सुन को जाए, जैसे मिर्गा शब्द सुनेरी शब्द सुन को जाए, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को नाही डराई गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना काज न सरे ओ, लगन लगे बिना काज न सरे ओ, जीव बल्ले हो जाई गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। जैसे सती चढ़ी सतूपर पिया की रामन भाई, जैसे सती चढ़ी सतूपर पिया की रामन भाई, पावक देख डरे वे नाही, पावक देख डरे वे नाही, हंसत बैठ चिता माई गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लग
लगे बिना काज ना सरे ओ लगन लगे बिना काज को नी सरे ओ जीव पर ले हो जाई रे गुरु से लगन कठन मेरा भाई सन्मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई कट कट शीश गिरे धरती पर कट कट शीश गिरे धरती पर खेत छोड़ ना जाई गुरु से लगन कठन मेरा भाई गुरु से लगन कठन है भाई लगन लगे बिना काज ना सरे ओ लगन लगे बिना काज को नी सरे ओ जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठन मेरा भाई बाली सती ना उतों तो प्यार च गई वो फिर उस ना तलक रहा ये सती ये होंगी है असली हाँ सती सतिया इन आखियन जो मड़ियां लग जलन हाँ। नानक सतिया जानियन जे वीरज चोट मरन जो मार दिए वीरज मरना वो सती असली हाँ। जो मार दिए वीरज मरना वो सती है हाँ सतिया हाँ अगे ईसो सतिया जानियन शील संतोख रहन हाँ, शील संतोख सोचना शील सीमा संतोख तीर्थ विवेक दिन तर बीच रहे हाँ सेवन हाँ, साईं आपना नित उठ संभालन बस हाँ हाँ जी हो गए हाँ जी दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई सूरा लेत लड़ाई पीछे हटता है पीछे हटता वो देख लो बाहर लड़ाई में जाते हैं पीछे हटता कोई ये भी मन से लड़ना पड़ता है मन ना चढ़ो मन ना सत ये लड़ाई करनी थी सोच लो ये तो दुनिया में बाबा वो मालिक की दरगाह में बाबा हाँ मन से लड़े उसे जरूर बैठाए कुछ हो डर के तो नहीं भागते वो सामने से ये भी डरे ना लगा रहे हाँ हाँ जी दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं सूरा लेत लड़ाई कट कट शीश गिरे धरती पर कट कट शीश गिरे धरती पर खेत छोड़ ना जाई रे गुरु से लगन कठन मेरा भाई लगन लगे बिना काज को नी सरे ओ लगन लगे बिना काज ना सरे जीव पले हो जाई गुरु से लगन कठन मेरा भाई सब काम आसान है बाहर पूजा पाठ सब आसान है तीर्थ पे जाना सब आसान है लेकिन मन से लड़कर अंदर जाना मुश्किल है चीज अंदर है फिरता बाहर है बाहर कितना भाग दौड़ रहा कुछ नहीं बनता सब उल्टे रास्ते हैं काल ने भरमाया हुआ है चीज इसके अंदर है हाँ फिर तब बाहर है हाँ जी
छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। लगन लगे बिना काज ना सरे ओ, लगन लगे बिना काज को नी सरे ओ, जीव पर ले हो जाई। गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोही महला तीजा। काया कामन अति सुहालो, दुनिया के सरदार, अगर धुन तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी। जितनी दुनिया की कार्रवाई इंसान के जरिए चल रही है, दरिया पहाड़ जंगल बियाबान डॉक्टर इंजीनियरिंग सब इसके जरिए चल रहे हैं। इस देह को चलाने वाली रूह है, रूह का मंबा कह लो, पति कह लो, समुंदर कह लो, सदगुरु कह लो, वो भी इसके अंदर इसको जिंदगी तक दे रहा है। ये फिरता बाहर, सोच लो जिसको मिला अंदर से मिला बाहर से नहीं, ये फिरता बाहर बाहर मंदिरों में ढूंढता। वो हमारे से स्कूल थे, चीज इसके अंदर है, फिर तो बाहर
दौड़ तो भाग कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, पर सब कहते हैं लड़का रहे बगल में तेरे, फिर तब शहर में ढंडोरा देते हैं, पति प्रण्य पर सोया पड़ा है तो बाहर भोगता है बाहर, फिर बीबी कहां से मिले, वो साथ है सोचना, जिसने पाया अंदर से पाया है। ये एक मुस्लिम ने लिखा है कि जिसकी तलाश में मुद्दे निकल गई इधर भटकते रहे, जब अंदर दाखिल हुआ तो अंदर ही मिल गया। मुझको कहां ढूंढे तो बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में ना मुहूर्त में ना कंतनवास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे सुनो साधो मैं तो विश्वास में, इसको विश्वास आता ही नहीं, चीज अंदर है फिर कैसे मिले। फिर सच्चे थे सदा स्वागन गुरु का शायद संभाले, सोचो क्यों नहीं मिलता, अगर पिया मिल जाए तो स्वागन हो जाए, क्यों नहीं मिलती, पहले तो इसकी तलाश गलत बाहर, चीज अंदर है, दूसरे नालायक हो चुकी है, काल के देश में आकर मन से प्यार डाल लिया है, मन को पति बना लिया है, उसके साथी रिश्तेदार उनके साथ प्यार डाल लिया है, काम प्रॉब्लम का इनका काम कर रही है, विषय विकारों का कैसे मिले, ये विषय छोड़े, ये विषय छोड़े, अंदर जाए ख्याल पीछे इकट्ठा करें, तन का प्यार छोड़े, विषयकार छोड़े, मन का प्यार छोड़े, कुदरती तौर पर अंदर आवाज आ रही है, इसको बुला रहे हैं, मन की आवाज है, क्या बच्चा तुझे ले चलू, वो आवाज वो शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता, कुदरती है, ना के दायरे से परे है, ये तो बदलते रहते बदलता नहीं, कलाम लामतो असर दो सौ फना मरखूब एक मुसलमान के ने लिखा है, तो उस आवाज को सुन जो फना के हाथ से परे है, हृदय नाम सारे तो नेचर कटे नहीं पाई, बहु ये कलम सन यार बढ़ाया जलन महिंदा लम्मा हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं, ईसा ने कहा कि घास सूख जाएगा फूल मुरझाया जाएगा, लेकिन खुदा कलाम से रहता है, इसी के मतलब गुनान साहब ने कहा था काजल को, ऊपर खास महल दे देवे बांग खुदा है, सुते बांग ने सुन सुते रहा खुदा जगा है, सुते पहे नपाग सा सुने न बांगा कोए, जो जागे सोए सुने साई संधि सोए, कि तू यहां बांगे देता वो तेरे अंदर बांगे दे रहा है। मामू साहब ने लिखा है कि खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पे मुहरे लगी हुई है इसलिए नहीं सुन सकते, सोच लो ये बाहर पकड़ के चला गया, लेकिन जब वो वाणी कहती है किसी ने मानना ही ना, वो कहते तेरे अंदर है प्राणी, हर जब जन्म गयो सात शब्द बिन कबू ना छोटी सी था जन्म गयो, चीज अंदर है, फिर स्वागत हो जाए, हाँ हाँ जी हाँ, हर की भक्त हाँ, हर की भक्त सदम हाँ, हर की भगत सदा रंग राता हूं मैं विचो जा। असली भक्ति क्या है, नाम को प्रकट करना, शोध शोध तत्व विचार्यो परसी शेष पूरी कह नानक एक राम नाम बिन, अगर सब बाकी नीचे दर्जे की है, चार वेद के व्यास ने अर्थ विचार विचार सी भक्ति कौन सी, राम नाम तत्सारम गुरु नाम की, ये मेहनत का काम है, लगा रहे रच में चला गए नाम से राते माते होई, देखेंगे दीदार तो सुख पावेंगे सोई, जिन्हें पाया रन सब क्या कहते हैं, एक खिन पल विसरे तो स्वामी जानू वर्ष पचासा, बोलो वो कहते एक खिन पल विसर गया मेरा पचास साल का वक्त था, बोलो हमें तो ख्याल ही नहीं, देख लो वो कहते एक मिनट भी विसर गया मैं समझो पचास साल का वक्फा पड़ गया है, देख लो बिनान साहब मोती खाने पे लगे हुए थे, काम करते करते भूल गए,
जब तेरवा पलड़ा बस फिर तेरा तेरा रह गया, तो लेगा तेरा तेरे रहा बस फिर। इसका नाम भक्ति है। पहले मुश्किल लगता है जब लड़की की शादी करते हैं तो वो माँ बाप बहन भाई को छोड़ना नहीं चाहती। सोच लो जब एक दफा जाती है फिर वहां से आना नहीं चाहती वो सब देख के। अगर आती भी है तो ख्याल उसी तरफ रहता है। इसी तरह पहले मुश्किल है छोड़ना ये प्यार बाहर के। अगर एक दफा अंदर चला जाए फिर बाहर आने को दिल नहीं करता। ऐसा रास अंदर खरीदा शक्कर खंड नमात गुड़ मक्खन मजा दूध सब वस्तु मिठिया रब न पुजन दुध उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। हाँ हाँ जी हाँ। अगर एक दफा टिक जाए बस एक निम्फ जो सिमर में जिया कोट दिन स्थल फिर थी सद की जिंदगी मिल जाए। एक चित्त जिनिक छिनते आयो काल फांस के बीच ना आयो। हाँ हाँ जी सुंदर है। अगर पति मिल जाए हाँ हाँ जी काया का मन पति सुवाला फिर बस जिस नाले फिर साचे ते सदा सुहागण गुर का शब्द समाने हर की भगत सदा रंग राता हर की भगत सदा रंग राता हो मैं बिचो जाले हो मैं बिचो जाले बाहो बाहो गुरु की बाणी पूरे गुरु की बाणी पूरे गुरु ते उपजी सहज समाणी पूरे गुरु की बाणी। रामदास का शब्द है कहते हैं वाह वाह अजीब लज्जत है जिन्होंने मेहनत की। अजीब लज्जत है कहने सुनने से परे है पीखा बात अगम की कहने सुन में ना है जो जाने सो कहे ना कहे सो जाने ना है। आत्म अनुभव ज्ञान का जो कोई पूछे बात गुंगे ने गुड़ खाया कहे कामुक स्वाद क्या बताया कर वो लज्जत क्या है। सब कहते मिल सकिया पूछो को कर्त निशानी रस प्रेम भरी कुछ कहना जाने क्या बताया कर वो लज्जत क्या क्या बयान से बाहर है वो ऐसी लज्जत है। वो वाणी सबके अंदर आ रही है वो नाम सबके अंदर गुणकारण दे रहा है वो शब्द कहो नाम कहो वाणी कहो वही गुरु है। एक का वाणी एक गुरु एक शब्द विचार सच्चा सदा हर सच रतनी पर पंडार इसी का नाम सच्चा सदा है। उस नाम को वाणी को प्रकट करना वो अजीब लज्जत है। बाहर तो सब कूड़ है अजीब लज्जत है बताने से परे है वो बाणी जुग जुग से आ रही है शब्द कहो नाम कहो बाणी बजी चौ जुगी सचो सा सुना है गुरबाणी चौ कुंटी सुनिए सच्चे नाम से मायदा जरे जरे में है। जब आती है उसको सुन ले सब दुख दूर हो जाते हैं दुख रोग संताप उदय सुनी सच्ची बाणी। सोच लो वो सुनी नहीं किसी ने दुख कैसे दूर हो कट अंतरे सच्ची वाणी सच आप पिछाने राम कई वाणी है ये वाणी हमारे समझाने के लिए चल अंदर वो कहती है। फिर आनंद वाणी है वो भी फना के दायरे में उसमें भी लज्जत काफी है। जो असली है पार ब्रह्म में मिलती है जाकर वहां से शुरू होती है जिसके मुतल्लिक हम रोज पढ़ते हैं आनंद सुनो भाग्य सगल मन अर्थ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी कह सुनी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरु पे जानी सरसे का मतलब सरसे शहर इलाका नहीं। जब संतों की सेवा कर करके
उनको खुश किया, तन मन के बंधन तोड़े फिर मिलती है। अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है, वो बंधन तोड़ाने आते हैं संत। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र बंधन दिए, बंधन भेदभाव अहंकार, कमों के मजबों के देशों के तन का, यहां से भी निकले तब सुने कैसे सुने। ब्रह्म देश के पार जावे फिर वो सुनाई देती, असली पार ब्रह्म पर पाया तो सर्व सूर्य पार ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं शक्ति है चलाने वाली, ब्रह्म कहते हैं जो चलाने वाला उसको, उससे पार जाए फिर जाके सुनती है। मेहनत कोई करता नहीं, थोड़ी भी करे कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, शांति आ जाती है। हाँ, अजीब कैफियत है, बता नहीं सकते। बाबा पूरे गुरु की वाणी के अंदर है। दरिया पहाड़ जंगल बियाबान सब कुछ अंदर है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। भगवान ने बड़ा सुख दिखाया, देवी देव के अंदर दिखाया, वो इसके अंदर है। कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो, इसके अंदर बड़े बड़े बियाबान हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, अमृत वर्षाएं हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। दुश्मन भी हैं काम के लोगों का, इनके हाथ चढ़े हैं। दोस्त कौन से, शील शिमा संतोष पीड़ित विवेक दीनतर गरीब भी। एक मुस्लिम की ने लिखा है, अंदर बहर भी आ बानो जवाल, सकते में गर्द हो मुख्यार, ई भी आ बा दर भी आ बा हो, अंदर हम चो अंदर बहरे पूरी तारे हो। इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बियाबान हैं, जंगल हैं। ये दुनिया उसके मुकाबले में ऐसे है जैसे समुद्र में एक वाड़। वाड़ जितनी दुनिया इसके लिए लड़ लड़के मर गए, इतना खेल इसके अंदर है। सोच लो सब कुछ इसके अंदर, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। फिर तो क्या कहते हैं आगे और, हाँ सबसे बड़ी ताकत है। हाँ हाँ इंजीनियरिंग और चीजें इसके अंदर से निकल गई हैं, वो भी इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, काया अंदर जब जीव दाता वसे, सब नाम डरे पिता। सबके अंदर जिंदगी करता है, जब वो निकल जाता है बस, वो भी उसके अंदर है। ढूंढते हैं बाहर फिर कैसे मिले, सोच रहा फिर कैसे मिले। ब्रह्मदास पहले गंगा कोई बस मुक्ति का दाता संत से जाते थे, सोच लो। फिर बाद में देखा जब अंदर गए, फिर देखा हो ये मन मैला एक न प्याए, अंतर मैल लागे दूजे पाए, तथ तीर्थ दिशांतर पवे हंकारी, और बथेरे हमें मल लावनी है। उल्टे मल चढ़ा ली, मैं तीर्थ कराया, मैं ये कराया, देख लो श्री और पालन को बाहर न आई, मान न लहे बहुत कार दुख पाई। सोच लो मन बंदे बूझे नहीं, फिर घिर आए गुरु पावनी है। जब भी मिला संत गुजरिए, गुरुओं के जरिए कोई भी काम है बगैर उस्ताद के नहीं आता। हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब भी किसी से सीखे, बाबा चाचा मामा भी किसी सीखे हैं, सोच लो मास हिंदी का मास्टर और पंजाबी का और अंग्रेजी का और हिसाब का और, देख लो ये भी इसी तरह है। बगैर फकीरों के बगैर उस्ताद की नहीं मिलता। हाँ
हाँ जी जितनी मेहनत बाहर करता देखो लग के पढ़ते हैं जब नजदीक इंसान आते सोते नहीं रात को जागते हैं रोटी नहीं खाते हैं अगर इतनी मेहनत इसके लिए करे फिर पता नहीं क्या बन जाए बाहर करता मेहनत यहां नहीं हाँ हाँ जी सबके अंदर है कृपाल करते इसके लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं मिठाइयां हैं फ्रूट हैं और चीजें हैं इसके लिए इतनी बनाई हैं इसको कदर ही नहीं उसकी बाहर को एहसान करता है उसकी कदर है जिन्हें सब कुछ बनाया उसकी कदर किसी को नहीं हाँ हाँ जी अंदर जाए उसको मिले स्वामी हो जाए गुणता कोर्स करने की जरूरत है गुरुमुख कब बनता है हम तो हरे को ही बड़ा गुरुमुख है गुरुमुख का दर्जा बड़ा ऊंचा है 300 में कैद आत्मा इनसे आजाद हो तब गुरुमुख बनता है अमृत पिए गुरुमुख जाता कर्म विदाता जो विचारे गुरु शब्द पिछाता गुरुमुख मरे ना जमे गुरुमुख गुरुमुख शब्द समा है जिसने शब्द से तलक जोड़ लिया शब्द का रस लिया उसका नाम गुरुमुख है ये गुरुमुख का कोर्स करे कितनी मेहनत की गुरु अमरदास ने जिनकी बाणी है जिनको कड़ी से कड़ी सेवा हजार को किली से केस बांधे सोचो कितना पवित्र पवित्र हृदय था पहले ही सोच ला हम काम करो के मरे हुए चाहते हैं दो दिन में मिल जाए सही दो दिन बैठता है ये कुछ मिला भी नहीं बोलो हाँ सब ठग गया हम बाहर हाँ जी हाँ जी हाँ जी काया एक लड़का है मैं देखना मालिक अच्छा चार दिन बैठा के दिखाई तो कुछ देता नहीं मैं कितनी जान पड़ा 11 कितने सालों में की 13 सालों में 11 जमाते की मालिक मिल जाए दो दिन में लगा रहे बस अपनी तरफ से कोशिश करे उल्ट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोग दूसरा मुझे भाप भाप अवश्य तुम जैसे भी हो लगा रहे लिखा जैसा भी तैसा बढ़ते अपना बल नहीं हारे अपनी तरफ से कोशिश लगा रहे बस हाँ दिनों में कितनी मेहनत करते हैं कोशिश करते रहते हैं कामयाबी हो या ना हो यू भी लगा रहे हाँ हाँ जी हाँ जी काया कामन सदा सुहेली गुरमुख नाम समान गुरमुख नाम समान देखा ना जाए सोचो उसको देखना है जिंदा नहीं जाते मेहनत नहीं करते वो कहते लाखा देखे नहीं जाते
जिन्होंने पाया जिन्होंने देखा है वो कहते हमने देखा है नानक का पार्षद से जहरा वेद के तेज संसार से वाह बहरा नानक का पार्षद से जहरा ईसा ने कहा मैंने देखा है स्वामी विवेकानंद थे वो मानते ही नहीं थे। हम रामकृष्ण के पास गए कहने लगे मास्टर क्या आपने राम को देखा है वो कहने लगे बच्चा मैंने देखा है जैसे तुम्हें देखा मैं अच्छी तरह बस उनका बन गया फिर इसको देखना है लख करो इसके अंदर है जब तक देखता नहीं रोज स्वागत नहीं होती बाग हो फिरते हैं दौड़े भाग्य कहा मिले चीज अंदर है फिर बाहर से कैसे मिले सारे दिन बाहर बाहर फिरेगी हाँ हाँ जी काया अंदर पूछ के अंदर जाए सदगुरु सेवा करे सदगुरु सेवा क्या है बाहर की अपनी जगह ठीक है तो ठीक लग जाए असली क्या है सदगुरु की सेवा सफल है जे को करी चित लाए कौन सी बंधन तोड़े मुक्त हो साचे रहे समाये अनेक बंधन फंसा को रसित तोड़े अंदर जाए इस जग में नाम अलग है गुरु से मनाए उस नाम को परल करने ही असली सेवा है उस दुनिया की चीज नहीं अंदर मिलता है ये असली सेवा है। सेवा चार प्रकार की है तन की मन की धन की और सुरत की संतन की सन्नाई पड़े जीव प्रांत अनागे करे सेवा सुरत न जाना काई तुम दया करो क्रमायणा तन और धन की तो सब जानते हैं मन की मुश्किल है मन को तो बेच दे मन की मत त्याग गर्जन यह बात कठिनी उनके हुक्म में रहे जब उनके हुक्म में रहता है उस हिसाब से भंस में करता है चाहे मन लगे ना लगे उसको दौर रहता है फिर इसके में निमित आती है दीनता आती है फिर मन लगने लग जाता है जब जब कंठ खुलती है जब ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा हुआ फिर यहां से सुरत की सेवा शुरू ये असली सेवा है शब्द को सुनना सेवा सुरत में जाना काई गंदगी कीड़ा है बड़ा खड़ा है बाहर बाहर ख्याल है अंदर जाने नहीं देते हैं। हाँ, हाँ कितने ख्याल इतने पड़े हैं कोई करता भी है तो पुराने ख्याल आके कोई शेर का कोई किसी चीज का किसी रूप का आकर डराते हैं डर यहां लगा रहा है बस हाँ हाँ जी सतगुरु सेवा सदा सुख पाए सतगुरु सेवा कहते हैं ना दुष्बंध निकालो असली दुष्बंध दिया ढाई घंटे जरूर देख कुछ वो ये कम से कम है ये तो रीत है जैसे रीते कहते हैं पटसा नाम महात्मा चरणदास ने कहा ये तो रीतों की तरह है असली तो है लगा रहे बस उठते बैठते चलते फिरते काम करते ना मैं कहते लोग ना मुख से राम संभाल हाथों कर काम सब चीत नाथ हाँ हाँ जी सतगुर सेवा सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता पाई सतगुर
अनेकों शक्तियां, विद्या, सिद्धियां, शक्ति इसके अंदर सब है। इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। देवी देवते ब्रह्मा विष्णु सब इसके अंदर है, सूरज चांद सबके अंदर है। सोच लो उसमें फिर मालूम हुआ उसके पास मालूम आया, बहस करते रहे। उन्होंने कहा अगर तू आधी रात को सूरज को देखता है तो मेरे से बात कर। नाभी कहने लगा हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? वो पाखरुही जो अंदर जाते वो देखती हैं, पढ़ते भी हैं, तारा चढ़ा लम्मा को नजर नहला राम, क्या नाम है उसने, मैंने तारा देखा है। ब्रह्मानंद कहता मैंने तारा देखा है, सूर्य देखा है, चांद देखा है। ये गुणानुसार ने बच्चों को कहा था आधी रात को, पहले बड़े को बनाया फिर देख गए सूर्य चढ़ाया कि जी नहीं, दूसरे पूछा कि जी नहीं, पुराने से पूछा कल यहां चढ़ा है या कपड़े तो बहाना था वो सबके अंदर चढ़ता है, वहां से मारी शुरू होता है। जितने जाग रही है अंदर चांद है, सूरज है, यागट पीते बानर बसते यामी जाग बहारा, यागट पीते बाग बीचा यमी सिंचनारा, यागट पीते सूरज चंदा यामी नौ लफ्तारा। सोच लो यागट पीते देवी देवा यामी ठाकुर द्वारा, सोच लो यागट पीते तीन लोका यामी सिंचनारा, कहे कि सुनो अब यामी गुरु हमारा। सब कुछ इसके अंदर है। हाँ जी हाँ जी काया अंदर रतन पदारच भगत भरे भंडारा, सिकाया अंदर नौखंड पृथ्वी आठ बटन बाजारा। क्या द्वार करेगा सोचो, डॉक्टर कहेंगे कि हमने तो बड़ी चीज पाड़ी को देखा ही नहीं, जो चीज मन के पर्दे के पीछे है, रेडियो है, सोचो अब आवाज नहीं है, स्विच लगाओ तभी सुन सकते हैं, बस अंदर जाए तब है, अब रेडियो के तोड़ो फिर तो नहीं आएगी आवाज। इसी तरह ऐसे नहीं, मन को मारे काबू करे फिर देख सकता है तो सब कुछ मिल जाता है। ये बाहर टेलीविजन वगैरह है, दूसरे सारी शक्लें भी साथ आ जाते हैं, ये बाहर की नकल अंदर इसी तरह है, देखे सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज ऐसी नहीं। हाँ जी फिर बोल। हाँ का अंदर कितने मंजिले हैं, कितनी पौड़ी है, चढ़े ऊपर तारा है। हाँ फुलान साहब ने लिखा है नौ दरवाजे कोटते दसवें महल, हौज जाति पुर भरे तीस बीच कमल चल, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं, क्यों नहीं पिया जाता। युद्ध महल दे कोट है बावन किंगरे तीस किंगरे किंगरे तोपची वर्णन दे किस किलों के मसाले देते हैं, किलों में जाओ पाने वहां पर किंगरे हैं, तो चीप उठा देते थे अगर कोई हमला हो रहा है उसको रोको, खाइयां खोद देते थे, पैदल सवार इसी तो अंदर भी हैं, पहरेदार होते थे अंदर भी हैं। युद्ध महल द कोट बानू किंगरे तिस किंगरे किंगरे तोपची वर्णन देखी सात समुद्र खाइया नदियां अंतने पार, कई रुख वाले सूर में प्यादे थे सवार, बारह बुर्ज महल दे नौ दरवाजे नाल पांच खास पहरू चौकी दिन समार, यही काम को लोकार एक महल दो बारियां शिव शक्ति सुल्तान, ये आंखें जो की खिड़कियां बाहर काम करने के लिए, किसान के आई सर विंडो से सोल बाहर काम करें, शिव शक्ति तीसरी आंख खोल के देखे हैं। एक महल दो बारियां शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार ग्रहण बहुत ग्रहण मां, ऊपर काशे महल दे देवी बांग खुदाया सुते बांग न सुन सके रिहा खुदा जी आए हैं, आए तो सुने सब कुछ के अंदर है। सदा करे सुजाने साधो काया गढ़ खूब बाजार,
या काया में हाथ लगाए बैठे शाहूकार, या काया में चोर फिरता नीचे ढीट लोहार, या काया में धनी बराजे तिनका ओट पहाड़। सोचो सब इसके अंदर है, पलमाशी बदमाशी सब इसके अंदर है। हमारी यारी है बदमाशों के साथ काम करती, इनका काम कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, वो अंदर जाने नहीं देते, कभी काम नहीं पकड़े, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, जो बड़े दिलास से काम करते हैं, काम करता है। अभी तो जवानी है, अब बहुत वक्त पड़ा है भजन करने का, अब अर्चना की कब करना, क्रोध का तो दुश्मन को तो ठीक कर ले, इधर झगड़े में पड़ा बस कुल खत्म, लोग का तो पैसे कमा ले फिर भजन करना, फिर बैठ के करेंगे। अभी तो जुड़ते नहीं, जुड़ भी जाए और बस कुछ देख लो, मौका तो बाल बच्चे पास, फिर कमाएंगे, फिर तू बैठ के भजन करना, पहले तो उनका गुजारा नहीं। अगर हो भी ये खाम खा दखल देता है, फलाना काम किया कि नहीं किया, खाम खा, अगर कुछ किया भी तो मैंने ये किया वो क्यों अहंकार खा गए, हाल हमारा। हाँ हाँ जी, हाँ ये बच्चे ढीट लगा रहे हैं। हाँ जी, या काया में हाथ लगाए बैठे शाहूकार, या काया में चोर फिरते नीचे ढीट लगा। हाँ हाँ जी, हाँ काया अंदर रतन बाजार भगत भरे भंडारा। कई अंदर गए हैं, रिद्धि सिद्धि घेर लिए, बड़े धोखे अंदर भी। हाँ हाँ जी, सिपाया अंदर नौ खंड पिछमी हाट बटन बाजारा। लिखा है रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है, सोच लो रोम रोम में रखी हम कर ब्रह्मांड को मारा, एक एक रोम बिच दस दस अवतार उतारा। सोचो जहां त्रिलोकी है वहां त्रिलोकी नाथ भी है, सोच लो। हाँ, एक ही ग्रोम में पहले तो साइंसदान कहते थे बाहर के सुई के नाके पे लाखों जीव इतने बारीक है बैठ जाते हैं। अब उन्होंने एक आदमी बताया, अमेरिका से आया था, गुलाब के फूल का एक कतरा पानी का निकाला, उसको इलाज किया, दिखाया, ऐसे लगता है शहरों के शहर बसे हुए हैं, शहरों के शहर बसे हुए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मुक्ति वाला नाम भी इसके अंदर है, शांति देने वाला नाम भी इसके अंदर है। ना मिले मंत्रित के बिना में तिरगिजीवास, कोई गुरमुख सज्जन जय मिले मन दस से प्रवीण ताश, और तीसरे तो चौकने में नाम करे प्रवास। सोच रहा वो भी इसके अंदर है। हाँ, कोई गुरमुख ऐसा मिले करल करना सिखाया कि मैं उसको जान भी कुर्बान कर दूं, चीज अंदर इसके अंदर है, फिर तब बाहर है। हाँ जी, हाँ इस काया अंदर नाम नौनीध पाई है गुरु के शब्द विचारा, गुरु के शब्द विचारा। बाहर देखो
कैसे कारखाना चलता है बाहर दुनिया का? हिंदुस्तान में राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, और है कितने महकमे हैं, अंदर भी इसी तरह है। ऐसे वो चलता है, वहां अंदर भी महकमे हैं। हाँ, हाँ, काल को रचना चलाने का, जैसे सूबे अलग है, सेंट्रल अलग है, सभी महकमे अलग है, त्रिलोकियों का अलग है, वो चलाने वाले हैं। हाँ, वो बाहर निकलने नहीं देते इसे। हाँ, हाँ जी, तो आपसे चाहता है मेरे से दूसरा बड़ा हो जाए, मैं अंदर भी ऐसी हाल है। हाँ, हाँ जी, तो उतरा गया आपने तोल बना रहा। हाँ जी, काल को रचन चलाने का हुक्म दिया था, उसने ऐसा खेल डाला कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। मन उसका एजेंट है, इसका काम क्या? जीव को ब्रह्मांड भटकाना, ताकि कोई जीव सच्ची भक्ति में न लग सके, वो ना कर सके, इसके दायरे से ना निकले। इंद्रिय लगा दी, विषय लगा दी, कर्मों को जाल डाल दिया, जो जाप सब उसकी भक्ति है। इमाम साहब कहते हैं, मन मंगल साक दीवाना, मन खंड माया मोह हैराना, इत जाहे काल के चापे, गुरु खोज ले कर आपे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है, जो मोह माया विषय विकारों के जंगल में भटकता फिरता है, कभी स्त्री को प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे में लिए फिरता है, ये कमों उसमें बिखेड़े के देशों के बिखड़े में जाए रखे हैं। ये काल के दबाव में उसके हुक्म में है, ये जीव को बुलाता बुलाता अपनी हस्ती को आप भी भूल गया। महात्मा चंद्रदास कहते हैं, मन में आप नुमाया ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लगा भर में फिर मिलन अपना पीप, दौड़ दौड़ बस और ही हो रहा कंगाल, नात्रा के भूखता ऊंचा बड़ा दिया, बड़ी हस्ती थी ये एक शक्ति, इसके बगैर हम काम भी कोई नहीं कर सकते इस दुनिया में। कबीर, मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्त कर, भावे विषय कमाए, मन से मल पुजे, मन से मल धोई, सीख करे गुरु साध की तो निर्मल होई, साधु की सेवा में जाकर फिर रंग चढ़ता, फिर इसको होश आती है। वो भी कहते हैं, मन तो जो स्वरूप है अपने मूल पहचान, तो बड़ी हस्ती है, रू सतपुरुष की अंश है, ये सतपुरुष बन जाती है, मन काल के अंश है, ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म बन जाता है, बड़ी हस्ती है। हाँ, हर चीज करी, मगर इसके बगैर उल्टे रास्ते पड़े हैं। हाँ, हाँ जी, है, हाँ। ए मान रतन जवाहर माणक, ए मान रतन जवाहर माणक, जिसका मोल। बड़ी शक्ति है, अगर ये अपने आप को पहचान ले, ये वो नफ्स साडा बेली, ये नाल साडे सिद्धा हो, जो कोई इसकी करे तो आए इस नाम लद्दा लद्दा हो, फिर मित्र भी बड़ा है, एक दफा रस ले ले फिर बाहर आने को इसका भी दिल नहीं करता। हाँ, हाँ जी, ए मन रतन जवाहर माणक, जिसका मोल अपारा, मोल ही नाम पाइए नाही मोल। फिर ये हीरा बन जाता है अगर अपने आप। हाँ, बड़ी हस्ती है ये भी। हाँ जी, हाँ, देखो सारी दुनिया को उंगलों पर नचा रहा है सबको। हाँ जी, मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा गया एक मिनट में, देख लो। सही है। हाँ।
88 साल का पौन हारी उनको खा गया, पूर्ण योगी उनको खा गया। हाँ हाँ जी, गुरमुख बनो, चलो अंदर का खोजो, सुरत लगा के मुख से कछु न बोल, बाल के पट दे कर अंतर के पट खोल। कबीर साहब ने कहा चल अंदर, फिर इसको पता लगा मैं क्या हूं, कह नानक बिना पचीने मिटे ने भरम की काई, नो द सेल्फ एंड बी परफेक्ट। इस ने कहा अपने आप को पहचानो, अंदर जाए तो देखे, अंदर जाता नहीं। हाँ गुरुमुख बनो, सोचो दिनों में होशियार है, कभी ख्याल किया है इसी जन्म में ये कर सकता है, और कोई जन्म ही नहीं, मुश्किल से मिला ये जिंदगी में, हासिल करो कुछ ना कुछ। जो अनपढ़ है तो मरकर कैसे पढ़ जाएगा, बीए में हो जाएगा, अब आपको शासन ना किया मुर्ख, मरकर कैसे मुक्ति मिलेगी, सोच लो कुछ तो हो। साधो भाई जीवती करो आशा, जीत समझे जीत बुझे जीत मुक्त में आशा, मोह मुक्त कहें गुरुस्वा रखिए झूठा विश्वास, फिक्र ना कर बस मुक्ति हो जाएगी। मैं नाम बगैर मेहनत के किसी बैठ जा बेईमान, बगैर मेहनत के किसी को नहीं मिला, बिना मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। सोच लो तन फिर कड्डा गे, याद रख शरण तन कर दे, असूल तोड़े ने बहुत फिर पिट कर रहे, अजिब क्या नहीं मानता। मुख दोगे मुख न जाने को उसका क्या भरोसा है, अभी दो चार जो आदमी बड़े मरके में भी कैसे हो जाएगा, कुछ तो हो बैठे तो पता चले। हाँ 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 बाहर ढूंढते, बस बातों बातों में रह गए, किसी ने सुन ले किसी ने कह लिया, बक्ता हो तो कद सुनावे श्रोता सुन सुनावे, ज्ञान ध्यान की समझ ना कोई कह सुन ज्ञान गुमावे, किसी ने सुन ले किसी ने कह लिया, बस बातें बातें हैं। मेहनत की चीज है, जिसने पाया सख्त मेहनत से पाया, सोच लो सख्त मेहनत की जरूरत है। हाँ फिर बोल दे। हाँ जिस ना दे सोई जान पावे, होर क्या को करे चतुराई। कई जनों की भक्ति होती है तब जाके ये मिलती है असली, बोलो सच्ची तर्क वालों को मिलती है, सच्ची लगन वालों को मिलती है। रात भी सब सुनाया था, गुरु ग्रंथ साहब का था, जो सारी भक्ति की ऐसे नतीजा निकाल दिया, पाठ पढ़े वेद विचारे न्योली कर्म किए, सोच लो तीर्थ पे गए, तीर्थ मकान बनाया, सब खोल दिया उन्होंने, सब कुछ किया, ये है तरीका असली जाने का, उनके नाम को परिचय चीज अंदर है। हाँ हाँ जी
सब ठगी है। बाकी जिसको चाहता है उसको फकीर मिलाता है, और किसको मिलाता है? जिसको सच्चा प्रेम है, सच्ची तड़प है, सच्ची लगन है, जैसे मीरा को थी। ये तो हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने को क्या तकलीफ थी उसको। दुनिया के सब सम्मान थे, राजपाट, नौकर चाकर, हकीम, डॉक्टर, गहने, कपड़े, सब कुछ था। माल की प्राप्ति यही गौन सा। अब मैं कौन उपाय करूं? जब मन को संसार चुके भव में पाप करूं, जन्म पाए कोई भलो न की पाते तो डरू। कौन सा भला? आत्मा कल्याण ने किया, बाहर के तो बंधन है। वो तकते तक बड़े को चीज है। साज कहूं सुन लो, सभी जन प्रेम की होती नहीं तब पाया। प्रेम के मुकाबले कोई बंदगी नहीं, प्रेम ही आगे भक्ति कराता है। प्रेम बराबर योगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु साबित होता ध्यान। प्रेम छुड़ावे जग को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा और ही ले पहुंचे हरिधाम। जब तब भी वही है, जिसे मन का प्यार उठे तड़प उठे, सो जप सो तप सावत पूजा जी थर से खरीद लगाए। क्या जप क्या तप क्या बात पूजा, जाके दे पाओ है दूजा सोचो। हाँ जी, डर और प्रेम। सोचो अगर माल का डर है, विषम तो हाजिर नाजर है, तो प्रेम भी है। अगर प्रेम करता है डरता भी है, कोई गुनाह ना हो जाए। ये दो शक्तियां जिसके अंदर आ जाए वो ही भजन कर सकता है, जिसको बख्शे ना। सोचना जो ये संत हाजिर नाजर है वो हर पाप से डरता है। एक फकीर के पास दो आदमी आ गए, नाम लेना है, एक अधिकारी था दूसरा नहीं। दोनों को एक एक जानवर दे दिया कि ऐसी जगह इसको को लाओ जहां कोई ना देखे। एक तो गया छुपके झाड़ी के पास जाकर उसको मोड़ के ले आया, दूसरा गया वो ऐसे ही ले आया। कहने लगा क्यों भाई? तुमने ना कहा कि आपने कहा जहां कोई ना देखे। जब मैं इसको मारने लगा तो मैं इसको देखता, ये मेरी तरफ देखता था। बोलो कहते तेज तुम्हें नाम दूंगा इसको नहीं। ये है डर और प्रेम, सोच लो। हाँ हाँ जी, काया अंदर पाओ पाओ बसे गुर पर सादी पाई, गुर पर सादी पाई। तो देते देते नाम अधिकारी को दूसरे को बड़ा बोझ है। बाद में फिर के बन जाते, वो कहते हमारा फिर का बढ़ जाए, हमारा बढ़ जाए, बस फिर यही हो जाता है। अगर ये चीज खत्म। हाँ हाँ जी, जिनको बाहर पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसके अंदर हैं।
भले मक्का हिलका लो, जबराइल का लो, इसराइल भा लो, ये अपने अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अनेक को शक्ति इसके अंदर काम कर रही है। ब्रह्म के पास पैदाइश का महत्मा है, विष्णु के पास पालने का है, जितना कुछ खाते हैं ना भी नहीं है, उसे सारी खुराक पहुंचाता है, राशन का ऑफिसर है कृष्ण का, सिर्फ संभालने वाला है, सब अपनी इसी तरह कितनी शक्ति इसके अंदर है। हाँ हाँ जी सच्चे अपना खेल रचाया है। अच्छा लंबे हाँ चलो हाँ हाँ जी सच्चे अपना खेल रचाया बसारा। यदि मार्ग में आप ही डलना है साया भी आप ही है, निकालने वाला भी आप ही है, आप पे सब आप प्यारा आप पे थापे थापे आप पे वे इस तरह प्यारा कर चोज वे के प्रभाव पे आप पे वंत सब था प्यारा आप पे गुण आप पे आपे सिंगी नाद प्यारा धुन आप बजाए आपे आपे सब आप चेला उपदेश करे प्रभाव आपे आपे नाम जपाएगा प्यारा आपे ही जप जापे आप ही कहते ऐसे जप भाई सोच लो जो उसका हुक्म मानता है उसकी मजदूरी देता है, मन चाहे लगे ना लगे, नौकर दुकान पे बैठा है ग्राहक आए या ना आए फिर भी तनख्वाह लेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, ये बैठाए जरूर मालिक जरूर देता है क्या मन लगे चाहे ना लगे। हाँ हाँ जी बाजार की तरह खोलते दुकान जो मर्जी सौदा कर लोगे बस। हाँ सच्चे अपना खेल रचाया आवागमन आप दिखाया पूरे सतगुरु आप दिखाया सच नाम मिस तारा सच नाम मिस तारा। वास्ता छुटकारे का क्या है आप ही गुरु चोला पहनता है कि तेरे अंदर सच्चा मन उसको प्रकट कर ये असली भक्ति है ये छुड़ाने वाली है। हाँ करें तपस्या नाम दिन यज्ञ हो गया दान चंदा सुख कहता सभी थोते जान कई बार जो यज्ञ करे योग करे चिल्लाए चरणदास का नाम दिन सभी अकाल हो जाए जिया रेला नाम का और जी का अनुक्राम तीन में भाई जाम का। हाँ ये असली रास्ता है ये करंट है गवर्नमेंट ने आपको दे दी इसे पलकी लालो सुख ले टूपी राज सुख ले विटी चला लो सुख ले लो कारखाने चला सुख ले लो ठीक है अगर हाथ लगाए साढ़े दीदी इसी वो राम नाम की करंट सबके अंदर है हमने लगाया उसको काम ट्रोल ओहकार पे इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शीर सीमा संतोष तिर विवेक दिनकर गृहि पे लगाए तो कुछ ना कुछ शांति आ जाए तो जैसे उन्होंने कारखाने चलाए कि विवेक कहा कि ने प्लास्टिक कहा कि जूतियों कहा कि ने कपड़े कहा वो बैर करने तो नहीं चलते जो भक्ति करो
पीरवा ने कहा है जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों को करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवताओं करता है उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। सोच लो अगर ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो हमें करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े तो कहां पहुंचेंगे, हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। तीसरे कोई ऐसा फकीर मिले जो नाम राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े ये से आ रही चल पड़े तो नल की दुर्गा में पहुंच जाए। कोई खन पंथ पलटा बैठा अपने कोई पाए, हर नाम सला है नाम मान नाम रहने लाए, अगर तुम्हें दर वैद्य दर सच्चे सुपा पाए ये मर्जी कर लो। नरकों में जाना है तो विषय भोगो, पितृवाना वो कर लो, पितृवाना वो कर लो, देवी देवते करना वो कर लो, छुटकारा करना तो ये कर लो, बस सारी दुकान करें जो मर्जी कर लो, इस कर्म से जो मर्जी काम ले लो ना। हाँ जी हाँ पूरे सतगुरु आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सच नाम निस्तारा साकारा जो सतगुरु से सच्चे आप फिर विवाह में होता है, फिर उसको एक चीज मिलती है। जिसने ये नाम जप के अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया मालिक दुर्गा में इज्जत पा गई, हमेशा सुख हासिल कर गई। हाँ हाँ जी साकाया जो सतगुरु से सच्चे आप सवारी बगैर नाम की भक्ति के